subscribe to Hello Wiki and press bell icon to get latest video notification. नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा खास टॉपिक लाया हूं मैं आपके सामने जो बहुत इंटरेस्टिंग है. जी हां, हम बात करेंगे सेवन वंडर्स के बारे में, लेकिन वो सेवन वंडर्स अब के नहीं बल्कि एक जमाने के हुए करते थे. तो दोस्तों, आज के सेवन वंडर्स से पहले दुनिया में कौन से सेवन अजूबे थे अपने पुराना काल में, और उसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सा वंडर किसको रिप्लेस किया है, ताकि आपको क्लियर आइडिया आ सके. तो चलो शुरू करते हैं वीडियो. ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर वन, वो ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा. ये पिरामिड साल 2550 बीसी में निर्माण किया गया था. इस बेहतरीन, खूबसूरत और सबसे बड़ा पिरामिड को सिर्फ 30 साल में ही कंप्लीट किया गया था. ये पिरामिड फोर्थ डायनेस्टी इजिप्टियन फारोन खुफू के समाधि के लिए बनाया गया था, उनके आत्मा को मुक्ति मिल सके. और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पिरामिड लगभग 3800 साल तक इंसानों का बनाया हुआ टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था. मतलब उस वक्त उतने साल तक इंसान ने उतनी ऊंची इमारत नहीं बनाई थी. आपके जमाने की बात तो अलग है, लेकिन तब वो ये बात बहुत बड़ी थी. इस पिरामिड को कैसिन स्टोन से निर्माण किया गया था. सेवन वंडर्स में ये वंडर को आज तक कोई भी निर्माण रिप्लेस नहीं कर पाया. ये वंडर आज भी सेवन वंडर्स में से एक है. बाकी छह पुराने वंडर्स तो नए वंडर से रिप्लेस हो चुके हैं. वो क्या है अभी देखेंगे. ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर टू, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन. ये गार्डन 600 बीसी में निर्माण किया गया था. ये निर्माण इराक देश में सिद्ध है. इस सुंदर गार्डन को बेबीलोनियन के राजा नेबूकदनेज़र टू ने बनाया था. इस खूबसूरत गार्डन को बनाने का मुख्य कारण ये है कि राजा के पत्नी बीमार थी, तो उनके लिए एक अच्छी वातावरण देने के लिए उन्होंने इस गार्डन को बनवाया था. इस गार्डन के अंदर खूबसूरत फूल, छोटा सा नदी, घास और कई प्रकार के अद्भुत आर्किटेक्ट मौजूद है. लेकिन उसके बाद कई बार भूकंप आने से द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन डिस्ट्रॉय हो गया. फिलहाल तो वहाँ हमें सिर्फ टूटे फूटे पत्थर ही दिखते हैं. तो इसका नक्शा बदलने के कारण इसके जगह में नया वंडर को रिप्लेस किया गया है. इसके प्लेस में रिप्लेस किया गया वंडर का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. जी हाँ, ये तो हम जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है. ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7th सेंचुरी बीसी चाइना में बिल्ड किया गया है. इस दीवार की लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, मतलब दिल्ली से लेकर बैंगलोर जितना दूर. इसकी लंबाई ज्यादा रहने के कारण दुश्मन को घुसने का कोई मौका नहीं मिलता था. इसीलिए ये दीवार दुनिया में एक अजूबा बन गया है, क्योंकि ऐसा दीवार दोबारा बनाना नामुमकिन है. वर्ल्ड एंशिएंट वंडर नंबर थ्री, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस कंप्लीटेड. ये टेम्पल ऑफ आर्टेमिस गॉडेस डायना को डेडिकेट किया गया है. इस टेम्पल को 550 बीसी में निर्माण किया गया है. ये टेम्पल ब्रॉन्ज एज का है, माने काफी पुराना वक्त, जब लोग ब्रॉन्ज के पैसे सिक्कों में यूज किया करते थे. इस टेम्पल को बनाने के लिए करीब 120 साल लग चुके हैं. ये टेम्पल ऑफ आर्टेमिस टर्की देश में मौजूद है. ये खूबसूरत टेम्पल फ्लूड्स आने के कारण 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन बाद में इसे रिबिल्ड भी किया गया है. ये टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एंशिएंट जमाने में नंबर थ्री वंडर था, लेकिन अब इसे नया वंडर पेट्रा से रिप्लेस किया गया है. पेट्रा एक एंशिएंट कलाकारी का पहचान है. ये पेट्रा बोलने का जॉर्डन कंट्री एशिया में है, जो कि 5th सेंचुरी बीसी में बिल्ट किया गया है. इस पेट्रा का ओरिजिनल नाम है रैकमो, लेकिन जब रोमन एम्पायर्स ने इस शहर को कब्जा करने के बाद इसका नाम अरेबिया पेट्रा बोल के बदल दिया है. ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर फोर, स्टैच्यू ऑफ जीसस एट ओलंपिया. द ग्रेट स्टैच्यू ऑफ जीसस एट ओलंपिया को 432 बीसी में इसका निर्माण किया गया था, और 12 साल लगे इसको कंप्लीट करने के लिए. इस स्टैच्यू ऑफ जीसस को ग्रीक के लोग ने बनाया था. इसका आर्किटेक्ट था फिडियास. ये स्टैच्यू 12 मीटर ऊंचा है. इस स्टैच्यू ऑफ जीसस बनाने का एक मुख्य वजह था, वो ये है कि जीसस एक भगवान के ही अवतार थे, और हर मनुष्य अपने जीवन काल में इस मूर्ति को एक बार तो भी दर्शन करना होगा. अगर नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है कहकर बताया जाता है. स्टैच्यू ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड का एक अजूबा था, लेकिन इसके नए वंडर से रिप्लेस किया गया है. वो है कोलोसियम, जो कि रोम इटली में मौजूद है. कोलोसियम के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आप उसे क्लिक करके उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं. ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर फाइव, मोसोलियन ऑफ हेलिकार्नेसस. इस अद्भुत कला को 353 और 350 बीसी के बीच बनाया गया था. यह मोसोलियम ऑफ हेलिकार्नेसस टर्की देश में मौजूद है.
इस स्ट्रक्चर को ग्रीक आर्किटेक्ट्स सेट्रस और फाइथिस बोलने वाले दो इंसानों ने बनाया था। 377 BC साल में रूलर हेक्टोनोमस ऑफ माइलासा की मौत हो चुकी थी, तो उनके बेटे मौसलस ने राज्य का कमांड संभाली। उन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य को बढ़ाते गए, आजू बाजू के छोटे छोटे शहर डिस्ट्रिक्ट को भी अपने किंगडम में मिला लेते गए। पूरा साउथ वेस्ट एशिया उनके हाथ में था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि उनका एक ड्रीम लैंड बनाने का, तो तब जाके उन्होंने एक खूबसूरत सिटी को बिल्ड करवाया और उसका नाम रखा गया है मॉसोलियम ऑफ हेलिकार्नेसस। ये खूबसूरत शहर एंशिएंट जमाने में एक वंडर था, पर अब इसको चिचेन इट्सा से रिप्लेस किया गया है। ये चिचेन इट्सा यूकेटियन सिटी मेक्सिको में मौजूद है। इसका निर्माण 750 AD से लेके 900 AD के बीच शुरू किया गया था, लेकिन इसका पूरा निर्माण 998 साल में कंप्लीट हुआ है। ये माया सिटीज का एक बड़ा सिटी था। ये जगह इतनी पॉपुलर है कि हर साल इस खूबसूरत निर्माण को देखने के लिए लगभग 30 लाख लोग आते हैं। ये इस वक्त का दुनिया का चौथा वंडर है, जो मॉसोलियम ऑफ हेलिकार्नेसस को रिप्लेस किया है। ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर 6, कोलोसस ऑफ रोड्स। ये कोलोसस ऑफ रोड्स का स्टैचू एक ग्रीक भगवान हेलियोस का है। इसको 292 और 280 BC के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मूर्ति का हाइट था 30 मीटर माने 107 फीट। ये मूर्ति उस पुरान काल में सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, इसीलिए इसको दुनिया का एक वंडर माना जाता था, क्योंकि ये एक अद्भुत कला थी उस जमाने में। लेकिन समुन्द्र में बाढ़ आने के कारण ये मूर्ति पूरी तरह ध्वंस हो गया, सो इसी के कारण इस वंडर को नया वंडर से रिप्लेस किया गया है। वो नया वंडर का नाम है माचू पिचू। ये माचू पिचू बोलने का 15 सेंचुरी में इका एम्परर द्वारा बनाया गया है। ये माचू पिचू साउथर्न पेरू में सिद्ध है। ये माउंटेन पर निर्माण किया गया है। एक ऐसा गार्डन है जो धरती से 2430 मीटर ऊंचाई में है। उतनी ऊंची कोटी पर दुनिया का एक लौता गार्डन है, इसीलिए इसको वंडर के लिस्ट में जोड़ा गया है। ओल्ड एंशिएंट वंडर नंबर 7, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एक खूबसूरत लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 280 BC से लेके 247 BC के बीच बनाया गया है, माने पूरे 33 साल लग चुके हैं इसे बनाने में। ये लाइट हाउस आइलैंड ऑफ फॉरस एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में मौजूद है। इसका हाइट 393 से 450 फीट ऊंचा है, माने लगभग 120 से 140 मीटर। ये निर्माण उस जमाने में सबसे बड़ा ऊंचा निर्माण था, इसीलिए इसे 7 वंडर्स में जोड़ा था। इसको ओपनिंग किए सो साल है 283 BC। इसको ओपनिंग किए सो राजा का नाम था पोर्टलेमी फिलाडेल्फस। ये स्ट्रक्चर एंशिएंट लोगों की आखिरी स्ट्रक्चर थी। उस जगह में बहुत बार भूकंप आने की वजह से थोड़ा डैमेज भी हो गया। ये वंडर पिरामिड के बहुत ही करीब ही था, लेकिन फिलहाल तो इसे नए वंडर्स के साथ रिप्लेस किया गया है। वो है ताजमहल, भारत की शान। हम हिंदुस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि 7 वंडर्स में से एक वंडर हमारे देश में मौजूद है। ताजमहल जिसे शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। एक खूबसूरत इमारत यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश आगरा में सिद्ध है। हर साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं इसे देखने के लिए। इस खूबसूरत इमारत को लगभग 20,000 आर्किटेक्टों ने मिलकर बनाया था। इसे बनाने में पूरे 21 साल का वक्त लग चुका था। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है माने 240 फीट। ताजमहल आज के प्रेजेंट दुनिया में 7 वंडर्स में से एक है। तो दोस्तों, ये है 7 वंडर्स जो पुराने वंडर्स से रिप्लेस किए गए थे, लेकिन फ्यूचर में और भी कई वंडर्स आएंगे और इन वंडर्स को भी रिप्लेस करते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल हेलो विकी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बहुत सारे वीडियोस आप देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।